टीका मिटा लिया। आगे सारे लोग आगे मुझे निकलना। देखिए बाबूलाल मरांडी जी टीका की बात करते थे, लीजिए मैं पूरा चुनरी ओढ़ के चला आया। मैं बाबूलाल जी से कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र का मामला है, मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मंदिर बना रहा हूँ, आप बेवजह आप कुछ जा रहे हैं भाई, आप टीका की बात करते हैं, लीजिए चुनरी में पहन के आ गया हूँ। और मैं बाबूलाल जी को कहना चाहता हूँ, कौन सा, इससे पहले आप सेकुलर थे, कहाँ चले गए भाई, कौन सा पार्ट आपको सिखा दिया, नागपुर से क्या पढ़ के चले आए भैया, इतना कट्टरता आपके अंदर कैसे चला आया, आप मुझे सिखाइएगा क्या। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, सबको लेकर चलता हूँ, आज मैं वहाँ काली मंदिर बना रहा हूँ, अब मेरे पब्लिक के साथ मेरा क्या बात हो रहा है, नहीं बात हो रहा है, क्रॉपिंग कर दे रहे हैं वीडियो का, मैंने फुल वीडियो भेज दिया आपको, देखिए बाबूलाल जी को क्या शोभा देता है क्या, अब इतने बड़े नेता हैं, अब क्रॉप करना सीख गए, जालसाजी सीख गया आपने क्या, ये अच्छी बात नहीं है। आप तो लग रहा है कि लगता है कि भानु टाइप का नेता हो गए आप, लफुआ टाइप का कर रहे हैं आप। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कम से कम बाबूलाल जी आपको सेकुलर वोट दिया है, हमारे वोट से आप जीत कर आए हैं, देखिए देखिए, और आज इस तरह से एकदम कट्टरता आपके अंदर। और मैं कहना चाहता हूँ, कई मंदिर में बना रहा हूँ मेरे क्षेत्र में, ना कूदे बाबूलाल जी, कई लोगों का फोन आ रहा है वहाँ से, बाबूलाल जी का पुतला फूकने जा रहा है वो लोग, सुन लीजिए, बाबूलाल जी का पुतला फूकने जा रहा है हमारे लोग, और ये कह रहा है कि आप मंदिर आके बना दीजिए। इस तरह की हल्की बातें बाबूलाल जी को शोभा नहीं देता है। और तो इनका ट्वीट में देख रहा हूँ, जब से अनाप शनाप लिखे जा रहे हैं भैया, मैं कल देखा उनका ट्वीट, मैं नहीं देखता था कि इतना कट्टरता, बताइए ये सेकुलर है झारखंड है भाई, ये लोग आग उगल रहे हैं भाई, एकदम झार उगल रहे हैं, लेकिन वीडियो वायरल हुआ है, इसमें तो आपका पोस्टिंग नजर आ रहे हैं ना, उस पर क्या करते हैं जी, नहीं मेरी बात सुनिए, क्रॉप मॉर्फिंग करते हैं ये लोग, क्रॉप के हेडमास्टर कब से हो गए बाबूलाल जी, मैंने फुल वीडियो भेज दिया आप लोग देख लीजिएगा, मैंने क्या कहा है वहाँ, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि मैं मंदिर बना रहा हूँ, और ये जो काली मंदिर, देखिए काली मंदिर भाजपा को माफ़ नहीं करेगा, बाबूलाल जी को माफ़ नहीं करेगा, दिल साफ है मेरा, कई मंदिर में बना चुका हूँ, आज बताइए वहाँ के लोग एकदम आ रहे करेंगे बाबूलाल जी का, हम भाजपा का पुतला फूकेंगे, मेरा मंदिर कैसे बनेगा, आप मत पढ़िए सब में बाबूलाल जी, हर चीज़ में मत कूदिए। कृपाण जी, जो सवाल उठाया है बाबूलाल जी ने कि आपने जो तिलक है उसको हटा दिया, वो अच्छा, देखिए मैं तिलक मैं लगाता हूँ, चुनरी में पहन के आ गया, गर्मी था वहाँ, अब बाबूलाल जी को क्या हम दिखा देंगे क्या, पूरा गर्मी था, आप सोच रहे हैं पूरा पसीना निकल रहा था, अब हमको थोड़ी मालूम कि मैं अब कौन सा टीका लगाया नहीं लगाया, हम देखे हैं, और मैं सबका सम्मान करता हूँ, पर मुंह में ने पूछा, आप देखिएगा वीडियो में, अब क्रॉप करके कहाँ से कहाँ एडिट कर दिया, बाप रे बाप, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं यार, यार अब तो आप कहीं जाएंगे तो बोलने से भी हमको सोचना पड़ेगा, क्या कर देगा ये लोग। इसे घटना भी हुई है जी जी, मैं आज इस मामले को सदन में रखूंगा, एकदम जानबूझकर हमारे क्षेत्र को बदनाम किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, वहाँ आपसी भाईचारगी है, वहाँ आपसी प्रेम है, जो भाजपा को पसंद नहीं आ रहा है, एकदम टारगेटेड है इरफान अंसारी, ये नहीं होना चाहिए, आज सदन में उठाऊंगा, जो प्रशासन एक तरफा काम किया है उस पर भी कार्रवाई होगी। और ये बाबूलाल जी जो है ना, बहुत अबोध अबोध करते थे, हमको तो इन पर शक हो गया जी, जनता बताएगी आपको चुनाव, वो तो ये 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 बाबूलाल जी से पूछे ना आप, बाबूलाल जी को बताइए, बाबूलाल जी हमारे वोट से विधायक बने हैं, कोई भाजपा ने उनको वोट नहीं दिया है।